हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बाइगस्ट्री पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। तो यहाँ पे मैंने हाफ किलो चिकन लिया है, दो आलू काट के रखा है और एक टोमेटो दूंगी। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन थोड़ा सा पीस लिया है और ये जो प्याज है मैंने बड़ा बड़ा सा ले से प्याज लिया है और उस प्याज को मैंने पीस लिया है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर ऑयल दे दिया है। तो अभी हम बनाएंगे चिकन रेसिपी। तो कैसे बनाते हैं ये रेसिपी, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी देखते हैं मेरा चिकन रेसिपी कैसा होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छे से गला लेंगे फ्राई कर करके। लोग जानते ही हो मैं पहले ही हल्दी पाउडर दे देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और इसको अभी अच्छे से मिला लेंगे प्याज के साथ। और मैं अभी इसमें जो अदरक लहसुन मैंने पीस के रखा था वो भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी। इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए प्याज को 5 मिनट तक ऐसे लो फ्लेम में ऐसे करके हम लोग फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला और थोड़ा सा मीट मसाला। ये हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको इसका घोल बना लेंगे और थोड़ा सा रेड चिली और डाल देते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका एक घोल बना लेंगे। मैंने आज एक वीडियो पे देखा था ऐसा, जो मतलब हम लोग वैसे मसाला नहीं पीस के नहीं यूज़ करते हैं ना, हम असमझ लोग, कोई कोई करता है, सब कुछ पीस लेता है, लेकिन हम लोगों के रूम पे इतना ये है नहीं जो हम पीस के करेंगे। तो मैंने एक वीडियो पे देखा था जो ऐसा मसाला होता है ना, जो पैकेट वाला मसाला, हम ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसको रेडी कर लिए हैं, अभी हम अपना प्याज देखेंगे। देखिए हम लोगों का प्याज थोड़ा थोड़ा पकने लगा है और थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो हम अच्छे से भून लेंगे। और जो मैंने मसाला का पेस्ट बनाया था इसको मैं अभी ऐड कर दूंगी यहाँ पे। इसको ऐड करके अच्छे से फ्राई करेंगे इसको थोड़ा टाइम, 5 मिनट। इसको लो फ्लेम में ऐसे ही रहने दीजिए, 20-20 में ऐसे करते रहिएगा। देखिए और अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्वाद अनुसार नमक। अभी कम नमक दे रही हूँ, अगर नहीं होगा तो बाद में चेक करके फिर से दे दूँगी। तो देखिए हमारा मसाला का कलर कितना अच्छा आ रहा है और इसका स्मेल भी अच्छा आ रहा है। ऐसे देने से क्या होता है कि जो मसाला होता है वो प्याज के साथ पहले ही घुल मिल जाता है, मतलब फ्रेंड्स की तरह। और अभी हम इसमें और 5 मिनट ऐसे करके रखेंगे और इसके बाद इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो अभी हमारा मसाला और प्याज जो है वो फ्राई करके हो गया है और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी आलू और चिकन। तो इसको मैं अभी अच्छे से मसाला के साथ मिला लूँगी, मसाले के साथ मिला के इसको मैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में रख दूँगी। और जो चिकन का पानी निकलेगा ना वो भी सूखने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमेटो, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिएगा मेरा वीडियो। और वीडियो देख के कैसा लगा ये मेरे मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट्स ना मेरे को बहुत सुकून देता है। अभी हम इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम पे रखेंगे। तो देखिए हम लोगों का चिकन से पानी और थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलना स्टार्ट कर रहा है। तो अभी हम इसको और 5 मिनट ऐसे करके लो फ्लेम पे रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने चिकन में पानी नहीं दिया था, ये जो चिकन का पानी है वो निकल रहा है। अभी थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, एक गलती हो गया मेरे से, मैं धनिया लाना भूल गई, थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी।
पानी ऐड करके इसको अभी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी। फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और थोड़ा कम करूँगी मैं पानी, और अभी इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला ऐड कर दिया, अभी और थोड़ा पानी कम होने देंगे और इसको मैं 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखूँगी।